जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। और ज्योमेट्री में नया धमाका लाया हूं। ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें पहला क्लास में लाइंस एंड एंगल्स के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। उतना देख लेने के बाद आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद ट्रायंगल का और फिर एक स्पेशल अंतःकेंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक का क्लास, तीन क्लास मैं दे चुका हूं। यह चौथा क्लास है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। चतुर्भुज को आज दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, धुआं धुआं करेंगे। देखें, मेरा मानना यही है और मैं बार बार बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद ट्रिक का बाप बन सकते हो। इसलिए यह चतुर्भुज का क्लास है। इसके जस्ट बाद आपको वृत्त यानी सर्किल का मिलेगा, जिससे 99% क्वेश्चन बनता है। कॉन्सेप्ट सीख लेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन को धुआं उड़ा सकते हैं। तो अभी तक आप चतुर्भुज भी पढ़े हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन मेंसुरेशन में, मेंसुरेशन के एंगल से, मेंसुरेशन के दृष्टिकोण से आपने पढ़ा। लेकिन यहां पे आपको ज्योमेट्री के दृष्टिकोण से मैं आपको चतुर्भुज का प्रकार पढ़ाऊंगा, उसके प्रॉपर्टीज, उसके गुण क्या होते हैं और क्वेश्चन कहां से निचोड़ के निकाला जाता है। कुछ ही मिनटों का ये क्लास होने वाला है, एक एक सेकंड देखना है। और चाहे तो आप सभी पॉइंट्स को नोट्स करके दो चार पांच बार पढ़ लिए तो माइंड में छप ही जाएगा, वैसे तो मैं याद करवा ही दूंगा। चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल, बड़ा ही मजेदार धमाकेदार क्लास है। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है, बचपन से जान रहे हैं कि चार भुजाओं द्वारा घिरे बंद आकृति को ही चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं द्वारा घिरा हुआ बंद आकृति है, बड़ा छोटा कैसे भी हो, यह चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज के बारे में जनरली मैं कुछ पॉइंट्स दिया हूं, ये सारे बीबीआई पॉइंट्स है, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाते हैं। भले ही सब टेक्निकल पॉइंट पे बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं और जो क्वेश्चन एक सेकंड में सिर्फ क्लिक करने लायक रहता है वो उनसे छूट जाता है, ठीक है ना। तो बस कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएं और जल्द ही जीरो से एडवांस मैथ का धमाका होने वाला है, जल्द ही, तो उसके लिए भी आप तैयार ही रहें। एक बार जिस प्रकार से मैं अपने असाइनमेंट से पूरा अर्थमेटिक सिखा चुका हूं, उसी प्रकार से जीरो से मैं आपको एडवांस का बात सब बनाऊंगा। पहले इस क्लास को क्लियर करते हैं। चार भुजाओं द्वारा घिरे हुए बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब निश्चित चतुर्भुज है तो चार भुजा हो ही गया, तो चार कोण भी होगा। तो चतुर्भुज के चारों कोनों, कोनों मतलब अंतः कोनों, जनरली रूप से कोण कह रहा है तो समझ जाइए अंतः कोनों, का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। अब बहिष्कोण का योग तो 360 होबे करेगा, वो त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, पंचभुज रहे, षष्ठभुज, अष्टभुज, दसभुज, बीसभुज, पचासभुज, कईयो भुज रहे, बहिष्कोणों का योग तो हमेशा 360 होता है। ये पॉलीगन का एक मास्टर वीडियो में ही बता चुके हैं। चतुर्भुज के जिस प्रकार से त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, उसी प्रकार से चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, जिसे चार समकोण या 2π रेडियन भी कहते हैं। 360 डिग्री को 90-90 के भाग में बांटे तो चार बार आएगा, तो 360 डिग्री को चार समकोण भी, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है किसकी, किसी त्रिभुज के चारों अंतः कोणों का योग क्या होता है। ऑप्शन में 360 डिग्री नहीं देके चार समकोण, दो समकोण, आठ समकोण ऐसे दे देगा, या रेडियन में पाई रेडियन, 2π रेडियन, 3π रेडियन, 4π रेडियन ऐसे दे देगा। तो याद रखना है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, या चार समकोण होता है, या 2π रेडियन होता है, क्योंकि पाई रेडियन 180 डिग्री का होता है, तो 180 180 360, तो 2π रेडियन। क्लियर, ये तो याद ही हो गया। किसी भी चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग उसके दोनों विकर्णों के योग से अधिक होता है हमेशा। किसी भी चतुर्भुज के, मान ले चतुर्भुज ए बी सी डी है, कोई चतुर्भुज है, इसके चारों भुजा ए बी बी सी सी डी और ए डी का योग, जैसे ए बी बी सी सी डी और ए डी का योग जो हमेशा होगा, इसका विकर्ण ए सी और बी डी के योग से बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि किसी चतुर्भुज ए बी सी डी में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, कभी इधर मुंह खोल देगा, कभी उधर, कभी बराबर ऐसे करके दे देगा। तो याद रखिएगा, माइंड में सेट रखिए, कोई भी चतुर्भुज रहे चारों भुजाओं का योग उसके दोनों विकर्णों के योग से बड़ा होता है हमेशा। चारों भुजाओं का योग दोनों विकर्णों के योग से बड़ा होता है, माइंड में सेट हो गया। आगे एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, चतुर्भुज कोई भी रहे, किसी भी चतुर्भुज के दोनों विकर्णों के वर्गों का योग उसके चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चतुर्भुज कोई भी रहे, दोनों विकर्ण के वर्गों का योग, जैसे ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, याद रखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा, इसकी गारंटी है। मैं फिर से ये सारे पॉइंट्स को दोहरा देता हूं। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज क्या होता है, चारों भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, माइंड में छप गया।
यहाँ देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग यानी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री या चार समकोण या 2 पाई रेडियन होता है। छप गया, निश्चित रूप से माइंड में छपना चाहिए। किसी भी चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग उसके दोनों विकर्णों के योग से बड़ा, लेकिन दोनों विकर्णों के वर्गों का योग करें तो चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। टकाटक, क्लियर है? अब नहीं भूलिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए चतुर्भुज के प्रकार, तो सबसे पहले तो आयत और वर्ग के बारे में ही जान लेते हैं, उसके बाद मेजेदार, मेजेदार, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वहां से क्वेश्चन क्या बनाएगा वो हम लोग जानेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट अंत में जानेंगे चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यदि बनाता है चतुर्भुज से तो चक्रीय चतुर्भुज से बनाता है। तो आज हम उसका पूरा का पूरा बायोडाटा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी खोल के रख देंगे और कहां से क्वेश्चन बनता है सब क्लियर करेंगे। तो आयत के बारे में तो आप पहले से जानते हैं, रेक्टेंगल इसको बोलते हैं, और आयत के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होता है, जैसे ये लंबाई है तो ये भी लंबाई एल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्लियर है? चारों कोण समकोण होता है, मतलब चारों का चारों कोण 90 डिग्री होता है, चारों का चारों कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है, क्लियर हुआ? उसके बाद में देख लीजिए जरा मजे से, फिर से एक आयत में चारों भुजाएं सम्मुख भुजाएं बराबर, चौड़ाई चौड़ाई, लंबाई लंबाई, ये दोनों बराबर और ये दोनों भी बराबर, विकर्ण बराबर, विकर्ण इसका एसी बीडी बराबर होगा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, मतलब आधा आधा भागों में एक दूसरे को बांट देता है, लेकिन याद रखिएगा लंब समद्विभाजित नहीं करता है, मतलब यहां पर एक दूसरे पर लंब नहीं होता है। आयत में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है लेकिन लंब नहीं होता है। आ जाइए आयत का क्षेत्रफल, तो पहले जान रहे हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, यहां पर भी मैं दोहरा रहा हूं, परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, विकर्ण रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये तो पहले से याद है। अब आ जाए वर्ग, इसको स्क्वायर बोल सकते हैं, स्क्वायर यानी कि वर्ग, कमाल का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, पहले जान लो वर्ग है तो चारों भुजाएं आपस में बराबर, ए है सबको ए मान लिए, चारों कोण समकोण, विकर्ण एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे का लंब समद्विभाजित, लंब मतलब समद्विभाजित तो करता है और लंब भी एक दूसरे पर होता है, जबकि समझ रहे हैं क्वेश्चन यहां से भी बना सकता है कि आयत में विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित नहीं करता है, जबकि वर्ग में एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित तो करता है लेकिन लंब नहीं होता आयत में, वर्ग में लंब भी होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर जान रहे हैं या विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, डायरेक्ट विकर्ण दिया हो तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 भी करोगे ना तो हो जाएगा क्षेत्रफल। तो फिर से वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, और विकर्ण बराबर होता है रूट 2 गुने भुजा, रूट 2 गुने भुजा। तो ताबड़तोड़ हम लोग फटाफट देख लिए चतुर्भुज के बारे में, आयत के बारे में, वर्ग के बारे में, लेकिन मेन मजा तो आगे आने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, उसके बाद मजे से एक ही राउंड में देखेंगे चक्रीय चतुर्भुज, चक्रा चक्रा के मारेंगे, देखते हैं नेक्स्ट। आइए तीसरा देखते हैं, यहां से शुरू होता है मेन धमाका, क्योंकि आयत और वर्ग के बारे में जनरली आप जानते हैं और ज्योमेट्री से क्वेश्चन यहां से बनाता है। तो यहां बारी बारी से समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समलंब का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी हम लोग जांच लेते हैं, अगला राउंड में चकराएंगे चक्रीय चतुर्भुज से। तो समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना? समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयत को ही टेढ़ा कर दिया जाता है, आयत में भी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज में भी फर्क यह होता है कि आयत में चारों कोण समकोण होता है 90 डिग्री, जबकि समांतर चतुर्भुज में कोई कोण समकोण नहीं होता है। आयत में विकर्ण बराबर होता है, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। तो चलिए यहां पर इसका मेन प्रॉपर्टी जो वीवीआई पॉइंट है ये समझे, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन बनाएगा। सम्मुख भुजाएं बराबर और एक दूसरे के समांतर होता है, सम्मुख भुजाएं ये दोनों फिर ये दोनों बराबर और एक दूसरे के समांतर, कोई कोण समकोण नहीं होता है, कोई भी कोण जो होता है ना वो समकोण नहीं होता है, या तो 90 से कम होता है या 90 से अधिक होता है, जबकि आयत में सभी कोण समकोण, लेकिन चारों कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 ही होता है। तीसरा पॉइंट, सम्मुख कोणों का माप बराबर होता है, सम्मुख कोण मतलब आप कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण सी एंड कोण बी बराबर कोण डी, सम्मुख कोणों का माप हमेशा समांतर चतुर्भुज, यही सेम प्रॉपर्टी सम चतुर्भुज में भी बताऊंगा, क्योंकि सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ऑलरेडी हो ही जाता है। तो पढ़िए पहले बढ़िया से, सम्मुख भुजाएं बराबर
होता है और समांतर कोई कोण समकोण नहीं होता है, मतलब 90 डिग्री नहीं होता है। समूह कोणों का माप बराबर होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इससे क्वेश्चन बनेगा। जब क्वेश्चन में कोण से संबंधित क्वेश्चन आएगा ना, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आएगा कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, किसी भी समांतर चतुर्भुज में समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। समूह बोलिए या आमने सामने के कोण, इसलिए बात को मैं बार बार बोल रहा हूं कि दिमाग में छाप लो कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में समुख कोण आपस में बराबर और दो कर्मागत कोणों का योग, मतलब ये दोनों का योग 180 डिग्री, ये दोनों का योग 180 डिग्री, ये दोनों का योग 180 डिग्री और ये दोनों का योग 180 डिग्री। तो यहां मैं लिखा हूं, दो कर्मागत कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। समुख कोण आपस में बराबर होता है और दो कर्मागत कोणों का योग, जैसे कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण बी प्लस कोण सी बराबर कोण सी प्लस कोण डी बराबर कोण डी प्लस कोण ए। देख लीजिए, कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी कोण डी कोण ए, सभी का योग जो होता है 180 डिग्री। क्लियर हुआ। समांतर चतुर्भुज में दो पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट बताए कि आमने सामने के कोण आपस में बराबर, यदि ई है 60 डिग्री तो ई भी 60 डिग्री, 75 डिग्री तो ई भी 75, 120 तो ई भी 120। क्लियर हुआ ना, आमने सामने कोण बराबर और दो कर्मागत कोणों का योग, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ए 180 डिग्री। इससे क्या होगा कि बी मालूम रहा है तो सी आराम से निकाल सकते हैं, ए आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है ना, तो याद हो गया ये दोनों पॉइंट। विकर्ण बराबर नहीं होता, जबकि आपने क्या पढ़ा आयत और वर्ग में विकर्ण बराबर होता है। विकर्ण बराबर नहीं होता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है लेकिन लंब नहीं होता है। जिस प्रकार से आपने आयत में देखा कि विकर्ण एक दूसरे के बराबर होता है, समद्विभाजित करता है लेकिन लंब नहीं होता है, यहाँ विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होता है समांतर चतुर्भुज में, समद्विभाजित करता है लेकिन लंब नहीं होता है। आइए, चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर समांतर चतुर्भुज ही बनता है। अब यहाँ से तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे, लास्ट में और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगा। पूछेगा कि किसी समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो जो नया आकृति बनेगा वो क्या बनेगा। ऑप्शन में देगा सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग। तो समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनता है वो समांतर चतुर्भुज भी होता है, समांतर चतुर्भुज ही होता है। याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समांतर चतुर्भुज ही बनता है। फिर से मैं इसको क्लियर कर दूं, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, मोटा मोटी माइंड में सेट करो, आमने सामने के समुख भुजाएं आपस में बराबर, कोई कोण समकोण नहीं होता है, समुख कोणों का माप आपस में बराबर होता है और दो कर्मागत कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही दोनों था, विकर्ण बराबर नहीं होता, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है लेकिन लंब नहीं होता है, और किसी समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो ये जो बनता है ये भी एक समांतर चतुर्भुज ही बनता है। याद रखिए, किसी समांतर चतुर्भुज को मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो ये समांतर चतुर्भुज ही बनता है। क्लियर, याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो हम मेंसुरेशन में भी बताए थे, सीधा आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। क्लियर हुआ, आगे बढ़ता हूं। ये हुआ पहला का पोस्टमार्टम, अब दूसरा का करते हैं। सम चतुर्भुज या इसी को विषम कोण सम चतुर्भुज बोलते हैं, इंग्लिश में इसको आप रोम्बस बोल सकते हैं, रोम्बस, हो सकता है रोम्बस हिंदी में भी लिखते। तो सम चतुर्भुज नाम से ही पता चल रहा है कि चारों भुजाएं बराबर। वर्ग को ही टेढ़ा करते हैं तो सम चतुर्भुज बनता है, आयत को टेढ़ा करते हैं तो समांतर चतुर्भुज बनता है। तो सम चतुर्भुज क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर, कोई कोण समकोण नहीं होता, जबकि वर्ग में चारों कोण समकोण होता है, समुख कोणों का माप बराबर। तो ये दोनों का सेम प्रॉपर्टीज है, क्योंकि सम चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज है। भले आप सम चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं लेकिन समांतर को सम नहीं कह सकते हैं, सभी समांतर को सम नहीं कह सकते हैं, इसलिए जो प्रॉपर्टीज समांतर का वही सम का जरूर रहेगा। तो चारों भुजाएं बराबर, कोई कोण समकोण नहीं, समुख कोणों का माप बराबर, मतलब आप कह सकते हैं कोण ए कोण सी बराबर, कोण बी कोण डी बराबर, दो कर्मागत कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री, मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ए का योग 180 डिग्री हमेशा। ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन बनाता है भाइयों, दो कर्मागत कोणों का योग 180 डिग्री और आमने सामने के कोण बराबर। क्लियर, विकर्ण बराबर नहीं होता है,
मतलब आप कह सकते हैं कि एसी और बीडी एक दूसरे के बराबर नहीं होता, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित भी करता है और लंब समद्विभाजित, आयत में समद्विभाजित करता है लेकिन लंब नहीं होता, वर्ग में समद्विभाजित भी करता है और लंब भी होता है और बराबर भी होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज में समद्विभाजित करता है लेकिन लंब नहीं होता है, बराबर भी नहीं होता है, सम चतुर्भुज में समद्विभाजित करता है बराबर नहीं होता लेकिन लंब होता है, क्लियर है। तो दो कर्मागत कोणों का योग 180 विकर्ण बराबर नहीं होता है लेकिन एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है, लंब समद्विभाजित करता है। चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से आयत बनता है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बदल गया, किसी समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से कौन सा आकृति बनता है, समांतर चतुर्भुज, लेकिन किसी सम चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो वो आयत बनेगा। किसी सम चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, आयत बनता है, क्या बनता है, आयत बनता है, याद रखिएगा। ये थोड़ा टेढ़ा बना है फिगर, लेकिन किसी सम चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से आयत बनता है, जबकि समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समांतर चतुर्भुज ही बनता है, क्लियर हो गया। और इसका क्षेत्रफल तो मैं बता ही चुका हूं, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल d1 × d2, क्लियर। अब मजा आ गया समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम में, ट्रेपीजियम समलंब उसको कहते हैं जिसके दो भुजा समानांतर होते हैं, दो भुजा असमानांतर या तिर्यक होते हैं। जैसे एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है तो दो सम्मुख भुजाएं समानांतर, जबकि दो अन्य भुजाएं तिर्यक, तिर्यक बोलिए या असमानांतर, ठीक है। जैसे ये दोनों भुजा को आगे बढ़ाइए तो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को काट देगा, इसलिए वो तिर्यक हो गया, जबकि ये दोनों भुजा को आगे बढ़ाइए तो ये हमेशा समांतर ही रहेगा। तो दो भुजा समांतर, दो भुजा असमांतर, समलंब चतुर्भुज ट्राइपीजियम, इसका गुण क्या है। असमांतर भुजाओं के सबसे इंपॉर्टेंट गुण यहां से क्वेश्चन बनता है, स्टार लगा लो। असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई हमेशा समांतर भुजाओं के योग का आधा होता है। मतलब क्या समझे, ये दोनों भुजा दे देगा, ये 10 दे दिया, ये 15 दे दिया, ठीक है ना। और यहां बोल रहा है कि दोनों असमांतर भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला है कौन कौन सा है, तो ई है और एम है। तो पूछेगा कि ई एम की लंबाई, तो ई एम बराबर समांतर भुजाओं का योग, मतलब ए बी प्लस डी सी बटा टू, यानी हम कह सकते हैं 10 + 15/2, 25 के आधा 12.5। तो अब तो माइंड में सेट हो गया होगा कि किसी भी समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम में दो भुजा समांतर, दो भुजा असमांतर, असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड की लंबाई हमेशा पूछता है। इसमें मध्य बिंदुओं को मिलाकर कौन चतुर्भुज बनेगा ये नहीं पूछेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दो भुजा असमांतर है तो वो कैसा भी बन सकता है, लेकिन दो असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाइएगा तो समांतर भुजाओं के योग के आधा होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि ई एम बराबर ए बी प्लस डी सी बटा टू, क्लियर हो गया। सारा का सारा कॉन्सेप्ट याद रहेगा, आप छाप भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके छाप सकते हैं, क्लियर है, और छापते चल भी रहे होंगे। इसके बाद जो आने वाला है वो चक्रीय चतुर्भुज आने वाला है, और बचा हुआ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट चतुर्भुज का है वो मैं आपको रूबरू कराऊंगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे बच के ना जा पाए। तो देखते हैं नेक्स्ट, चलिए आ जाइए चक्रीय चतुर्भुज छठा देख ले रहे हैं हम लोग, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और ये लास्ट राउंड है। इसके बाद बोले सर एग्जांपल, ये तो आप कॉन्सेप्ट बता दिए, तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप खुद ट्रिक का बाप बन सकते हैं। और जल्दी जिस प्रकार से 100 ट्रिगोनोमेट्री का धुआंधार शतक मैंने दिया है, धुआंधार शतक आपको ज्योमेट्री का भी मिलेगा, उससे पहले आप लाइन एंगल्स और ट्रायंगल और ट्रायंगल का अंतःकेंद्र परिकेंद्र केंद्रक वाला और ये क्लास, इसके बाद वृत्त वाला आएगा कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल के साथ, देख के क्लियर कर लें तो फटाफट 100 क्वेश्चन हम लोग उड़ा देंगे, उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो यहाँ देख लो चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज नाम से ही पता, चक्रीय चतुर्भुज जिसके चारों ओर एक चक्र हो, ठीक है ना, मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्षों से होकर एक वृत्त गुजरता हो, या वैसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज चतुर्भुज के चारों शीर्षों से होकर एक वृत्त गुजरता है, चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्षों से होकर एक वृत्त गुजरता है, अर्थात इसी को दूसरा भाषा में बोल सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर होते हैं, एक शीर्ष ए बी सी डी एक ही वृत्त पर होते हैं, उसी को तो चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त से होकर गुजरते हैं, या चारों शीर्षों से होकर एक वृत्त गुजरते हैं, या चारों शीर्ष एक वृत्त के ऊपर होते हैं,
मतलब परिधि के ऊपर होते हैं, वृत्त के परिधि के ऊपर, तो ये चक्रीय चतुर्भुज होते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, इसी से क्वेश्चन बनता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख, सम्मुख मतलब आमने सामने के कोण, जैसे कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री एंड कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, यही साबित करता है कि चक्रीय चतुर्भुज है, और एंगल निकालने में ये बहुत मदद करेगा। फिर से याद रखिए, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण या सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है, या एक दूसरे के संपूरक, संपूरक आप पढ़वे किए थे, पूरक जो जोड़ के 90 डिग्री हो जाए, संपूरक जो जोड़ के 180 डिग्री, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। ऐसा भी पूछ सकता है कि क्या होते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं, संपूरक होते हैं, बराबर होते हैं, ऐसे ऑप्शन दे देगा, तो संपूरक होते हैं क्योंकि इनका योग 180 डिग्री होता है। देख लीजिए, कोण ए कोण सी 180, कोण बी कोण डी जोड़ के 180, चक्रीय समाय, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, सारे पॉइंट्स भी आई है, इजी क्वेश्चन बनता है। चक्रीय चतुर्भुज हमेशा एक वर्ग होता है, चक्रीय समचतुर्भुज, यदि पूछ दे चक्रीय समचतुर्भुज क्या होता है, ऑप्शन में देगा वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, तो चक्रीय समचतुर्भुज यदि बोल दे चक्रीय सम चतुर्भुज तो वो हमेशा वर्ग होगा, और चक्रीय समांतर चतुर्भुज तो हमेशा आयत होता है। चक्रीय सम चतुर्भुज तो बोले सर आप ही तो बताए थे कि वर्ग को टेढ़ा करके ही सम चतुर्भुज बनाया जाता है, यदि चक्रीय सम चतुर्भुज हो जाए तो समझ जाइए क्या होगा, क्या होगा, वर्ग होगा। चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या होगा, आयत। चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण सुदूर के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे देखिए, ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसका ये बहिष्कोण हम निकालना चाहते हैं, तो बोले सर आप जानते हैं कि ई सरल कोण बन गया, तो ई कोण है, ई कोण जोड़ के 180, ई वाला जोड़ के भी तो 180, तो जो कोण ई वाला हो जाएगा ना एक्स, तो यो वाला एक्स हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के कोई भी बहिष्कोण होगा उस सम्मुख सामने वाले सुदूर कोण के, मतलब सुदूर सम्मुख कोण के बराबर होगा। ई होगा 60 डिग्री, ई 60 डिग्री, ई होगा 80, तो ई भी 80 डिग्री। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। वर्ग तथा आयत हमेशा चक्रीय चतुर्भुज होता है, वर्ग आयत तो ऑलरेडी चक्रीय होता है, क्योंकि वर्ग आयत सभी कोण 90-90 डिग्री होता है, आमने सामने के कोण जोड़ के 180 होवे करेगा, और जिसका आमने सामने के कोण जोड़ के 180 हो गया वो चक्रीय चतुर्भुज होगा, इसकी गारंटी है। क्लियर। समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज भी चक्रीय चतुर्भुज होता है। समलंब समद्विबाहु किसको कहेंगे, समलंब तो इसको कहते हैं, लेकिन समद्विबाहु उसको कहते हैं कि ये दोनों तो हो समांतर, ये दोनों भुजा भी आपस में कौची हो, बराबर हो, ये दोनों भुजा भी आपस में क्या हो, बराबर हो, तो अब ऐसा स्थिति में भी आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री हो ही जाता है। क्लियर है। तो फिर से आइए चक्रीय चतुर्भुज एक बार फिर से दोहराते हैं, जिसके चारों शीर्षों से होकर एक वृत्त गुजरे, या वैसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर हो। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज का सबसे इंपॉर्टेंट गुण कि सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री या संपूरक होता है। चक्रीय सम चतुर्भुज है तो वो एक वर्ग होगा, चक्रीय समांतर चतुर्भुज है तो वो एक आयत होगा। आगे, चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण सुदूर सम्मुख कोण के बराबर होता है एक्स, तो ये भी एक्स। वर्ग तथा आयत तो हमेशा चक्रीय चतुर्भुज होता है, और एक समलंब समद्विबाहु भी चक्रीय चतुर्भुज होता है। क्लियर हो गया चतुर्भुज के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैक्सिमम क्वेश्चन इतना जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ा दिए, 90% क्वेश्चन तो आप इसी से बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें कौन ज्यादा से ज्यादा कौन पूछता है, कौन चतुर्भुज होगा ये पूछता है, और इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। मेन क्वेश्चन जो अगला धमाकेदार क्लास आने वाला है वृत्त, उसी से बनेगा। वृत्त का पूरा खाता खोल के रख देंगे, जीवा चाप स्पर्श रेखा सारे कुछ हम पढ़ाने वाले हैं। तो इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर करिए, अधिक से अधिक बच्चे जुड़ने चाहिए, ताकि मैं अधिक से अधिक कंटेंट आपको उपलब्ध करवा सकूं। लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।